अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ। तो आज हम आपको दिखाएंगे जो 2018 में मैंने तजरबाती तौर पर जैतून के कुछ पौधे लगाए थे। तकरीबन 50 पौधे थे, 5 कनाल में 2018 में मैंने लगाए थे। इसकी वैरायटी नहीं कन्फर्म हो सकी, सॉरी मैं इसकी वैरायटी आपको नहीं बता सकता। ये जो बड़े पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये वाले ये बड़े पौधे थे, इनकी वैरायटी कन्फर्म नहीं है। वैसे मैंने कुछ आर्बिकिना के और गैमला के प्लांट भी लगाए हैं अभी पौधे, लेकिन वो थोड़े से छोटे हैं। तो बात करते हैं जैतून की। ये जैतून तहसील किश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में मैंने खुद अपना ही कह रहे कि लगाया है, किसी के खेत में नहीं है, मेरे अपने खेत में हम खड़े हैं। तो इसकी वैरायटी कन्फर्म नहीं है, इसकी वैरायटी मैंने कन्फर्म करवानी है। तो ये पौधा गुट्टी से तैयार था, ये तो कन्फर्म था, लेकिन अभी क्योंकि मुझे पहले 3 साल तो पता ही नहीं था कि इसकी फ्लावरिंग का क्या तरीकाकार होता है। तो नाजरी, इसकी फ्लावरिंग का तरीकाकार ये है कि जैसे अगर कैमरा मैन दिखा सके, तो इसमें मैंने गंदम की काश्त की हुई है। तो इसका दिसंबर में हमने पानी इसका बंद करना होता है। इसकी प्रूनिंग भी होती है, कटिंग इस दफ़ा मैंने नहीं की, पिछले साल मैंने कटिंग की थी, लेकिन पिछले साल कटिंग मैंने इसकी प्रूनिंग कर ली थी, लेकिन इसका पानी का मुझे प्रोसेस का बाद में पता चला। क्योंकि आपको पता है कि अभी जनवरी, आज तकरीबन 27 जनवरी है, तो दिसंबर में जब कह लें कि नहरी पानी की बंदिश आती है, तो हमारे तो नहरी पानी इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसमें मैंने दिसंबर में आखिरी पानी इसको लगाया था। तो अभी आपको पता है कि जब फरवरी में दोबारा नहरी पानी हमने लगाने हैं गंदम को, तकरीबन 2 से 3 पानी इसको लग जाने हैं, लेकिन जैतून को पानी नहीं लगाना, जैतून को पानी बंद करना है। तो मैंने एक जस्ट इनको फ्लावरिंग दिलवाने के लिए जो बड़े पौधे हैं उनके मैंने इस तरह से दौर बना दिए हैं, यानी कि मिट्टी की एक कह लें कि मिट्टी लगा दी है, ताकि इसका दौर, हम पंजाबी में दौर कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते होंगे, तो ये दौर सा बना दिया है, ठीक है ना। और ये इसकी स्टॉप कर दिया है कि ताकि अभी जब गंदम को पानी हम लगाएंगे तो ये पानी इस पौधे को ना लगे। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसको अभी पोटाश का स्प्रे इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मिड मार्च में ये फ्लावरिंग करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, फ्लावरिंग करेगा मिड मार्च में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्च में जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इस फ्लावरिंग की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। दुआ कीजिए कि ये फ्लावरिंग करे और इसका फ्रूट हम हासिल कर सके। तो इसकी वैरायटी भी तभी कन्फर्म हो जाएगी जब इसका फ्रूट आएगा। तो इसके लिए मैंने कह लें कि इसके पानी का इस्तेमाल बंदोबस्त किया है, उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर फ्लावरिंग आएगी। तो मिड मार्च में ये फ्लावरिंग करेगा, इसको जब पानी नहीं लगेगा, तो अगर इसको पानी लग जाता है तो ये फ्लावरिंग नहीं करता, फिर ये नई शूट्स निकालना शुरू कर देता है। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा स्ट्रेस देना ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेस के लिए पोटाश का स्प्रे भी कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया है कि पोटाश का स्प्रे आप करें। तो मैं इंशाल्लाह इस तकरीबन मार्च के स्टार्ट में ही इसको स्प्रे करेंगे पोटाश का, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा ये फ्लावरों के आएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, नेक्स्ट इंशाल्लाह अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। तो ये तो 100% कन्फर्म है कि तहसील चिश्तिया डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर, ये जो जनूबी पंजाब हमारा एरिया कह लें कि ये बहावलपुर वाली साइड में कुछ दोस्तों के फार्म वगैरह है, तो जैतून कामयाब है हमारे, ठीक है, अच्छी फसल भी अच्छी देता है। और ये गंदम अभी इसमें मैंने काश्त की है, क्योंकि पौधे काफ़ी छोटे हैं अभी, इतने बड़े नहीं हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर आपने करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।